पाकिस्तान में भी ये गंद इंटर कर चुका है। तालीम निजाम ये हमारा अपना मुसलमानों का नहीं है, ये एक अंग्रेज का दिए हुआ सिस्टम है। आपने देखा होगा कॉमर्स यूनिवर्सिटी के हवाले से जो यानी के बातें हो रही हैं सोशल मीडियाज पर, पाकिस्तान में भी ये गंद इंटर कर चुका है। अब ये इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी का वाक्य है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक पेपर लिया गया है इंग्लिश का, इंग्लिश का जो ये हमारा सिस्टम जो तरतीब दे चुका है ना तालीम निजाम, ये हमारा अपना मुसलमानों का नहीं है, ये एक अंग्रेज का दिया हुआ सिस्टम है और जिसके जरिए आज हम चल रहे हैं। ये एक यूनिवर्सिटी में नौजवान तलबा से सवाल किया गया इंग्लिश के पेपर में कि जूली और मार्क एक यानी स्टडी के हवाले से कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ पर वो एक कैंपस बनाते हैं, एक तंबू बनाकर वहाँ ठहरते हैं। इनके माइंड में एक सवाल आता है कि क्यों ना हम एक नया मतलब तजुर्बा करें, लव यानी कि तजुर्बा करें। अब मैं आपको अब शर्म आ रही है बताती हूँ भी कि इतनी घिनौनी बात की जा सकती है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यार हमारा मुल्क पाकिस्तान इस चीज़ को तो लेकर नहीं बना था ना। पाकिस्तान का मतलब ही यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये अंग्रेज़ जो मतलब सिस्टम यहाँ पर ला चुके हैं, इस प्रोफेसर को इस यूनिवर्सिटी से निकाला जा चुका है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये तकरीबन वाकया आज से लगभग 81 दिन पहले का है और ये देखें कितने लेट ये यानी कि सोशल मीडिया पर आया है। इस चीज़ को हिडन रखा गया कि जो कानूनी कार्रवाई थी वो भी पहले ही हो चुकी है, उसके बाद ये चीज़ इशू की जा रही है। जो प्रोफेसर है उनका सवाल यही था, पहले बच्चों को इमेजिन कराया गया कि ऐसा ऐसा होगा, यानी कि ऐसा भी हो सकता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब देखिए अब ऐसे सवाल अगर एक यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में होने लगे कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बहन भाई का कैसा है, और इस पर यह भी पूछा गया कि इस पर कम से कम 300 वर्ड्स लिखें और अपना तजर्बा भी बताएं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब यार ये एक मिनट के लिए मैं आप यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हम अपने छोटे बहन भाइयों और पेरेंट्स अपने बच्चों को इसलिए जो मतलब बाहर भेजते हैं, अब मैं मिडिल क्लास की बात करने लगा हूँ, वो बाहर भेजते हैं कि बाहर वो पढ़ लिख कर एक अच्छा यानी कि चीज़ सीख कर आएंगे और वहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यार एक चीज़ मैं यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ, क्या वो लोग ये भूल गए हैं, क्या वो औरतें, क्या वो ये मर्द भूल गए जो यानी कि औरत मार्च के लिए निकले थे कि औरतों को इसका पूरा हक है, ये है वो है, पुरानी बात है। लेकिन इसके लिए मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि उस टाइम जब कोरोना वायरस आया था तो औरत मार्च वाली लॉन्ग मार्च किधर चली गई थी, सारी औरतें मर जो यानी कि आज़ादी के हक के लिए लड़ रहे थे कि बहन भाई का और वाइफ का किसी और के साथ रिलेशन अस्तग़फ़िरुल्लाह जायज़ है, ये है वो है, इस्लाम से हट कर बातें कर रहे थे। जब कोरोना वायरस आया तो वो किधर गायब हो गए थे। ये जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं हमें देखना चाहिए और हमें विजिट करना चाहिए, क्या ये सारी यूनिवर्सिटीज यार इस तरह काम कर रही हैं, बच्चों को यहीं सिखा रही हैं, गंद डाल रही हैं। अच्छा ये चीज़ आती कहाँ से है, यानी कि इन टीचर्स की ज़्यादातर तो कहा जा रहा है कि ये टीचर ये जो सवाल था उसने किया हुआ कि जूली और मार्क यानी कि ये जा रहे थे, सारा सवाल ये गूगल से कॉपी पेस्ट था। और बहुत से अगर सियासी हवालों से देखा जाए तो ये पहले से बता रहे हैं कि ये चीज़ पहले से प्लान की जा चुकी है कि इस तरीके से इस चीज़ को पाकिस्तान में लाया जाएगा और फौहशी को फैलाया जाएगा। अब पाकिस्तान में सबसे जो पहली चीज़ यानी कि मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, यूट्यूब को ब्लॉक किया गया और फिर मुख्तलिफ वीपीएन के थ्रू इस तक एक्सेस हासिल कर ले गई और फिर आखिरकार यूट्यूब ने अपनी यानी कि हटा दिए जो ब्लॉक वगैरह किया था पाकिस्तान, और फिर उसके बाद फौशी यानी कि वेबसाइट से पोर्न एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो गंद फैलाने में बड़ा मतलब बड़ा रोल प्ले कर रही है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कई ऐसे नौजवान जो इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वो छोड़ना चाहते हैं फिर उसी लज्जत में लग जाते हैं।